नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल चैनल M.K.LCC ग्रुप पर। मैं रवि रंजन आज आपके सामने लाया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th के सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन क्यूज, जिसमें आप देखेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस वीडियो का भाग 1 है। भाग 2 देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था, सोशल साइंस 10th क्लास का जो इस बार 2019 में देंगे, उससे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न ऑनलाइन क्यूज के माध्यम से देखेंगे, जिसमें अभी देखें 3 प्लेयर जुड़ चुके हैं, सूरज सहानी, अमन राज, विकास कुमार। कुछ और जुड़ेंगे, नेटवर्क स्लो के कारण अभी धीमा चल रहा है। देखिए, एक प्लेयर और जुट गए हैं, और थोड़ा देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। नेटवर्क स्लो कारण अभी धीमा चल रहे हैं। एक प्लेयर और जुड़ गए हैं। चलिए दोस्तों, अब चालू करते हैं, गेम को चालू करते हैं। इसमें पार्ट ए में 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान से 41 का सेट है। पहला प्रश्न आपके सामने है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। देख रहे हैं दोस्तों, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ए है लाल सेना, बी कार्बोनारी, सी फिलिक हेटरिया, डी डायत। देखिए, 3 का आंसर आ गया है, 4 का आंसर आया है। देखिए, 5 के 5 आंसर दे दिए हैं। सही जवाब था कार्बोनारी। चलिए दोस्तों, देखते हैं किनका कितना स्कोर आया है। देखिए, गो पहला पोजीशन पर है, 936 लाए हैं। दूसरा नंबर पर सूरज साहनी है, तीसरा नंबर पर अमन राज, चौथा नंबर पोजीशन पर केशव राज है, और पचवा में है विकास कुमार। सबसे कम है 666 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, पहला दूसरा प्रश्न है, 5 को 5 आंसर दे दिए हैं। सही जवाब मारे हैं यूनान होगा जी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। सही जवाब था यूनान। चलिए देखते हैं किनका कितना स्कोर आया जी। सूरज सहानी पहला नंबर पोजीशन पर चले गए हैं, 1942 पॉइंट मिला है। उसी प्रकार से सब अपने स्क्रीन बोर्ड पर देख चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ए में है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप है, डी पश्चिमी एशिया। तो चलिए दोस्तों, देख रहे हैं 3 का आ गया आंसर, 4 प्लेयर का आ गया आंसर है। समय अभी देखिए 12 सेकंड बच रहा है, 11 सेकंड, 10। चलिए, सभी का जवाब आ गया है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही जवाब हो गया यूरोप। चलिए स्कोरबोर्ड देखते हैं, सूरज सहानी पहला नंबर पोजिशन पर चल चुके हैं। चलिए उसी प्रकार सब अपने क्रम में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ होता है। रूस में जार का अर्थ होता है। ए है पीने का बर्तन, बी है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी रूस का सामंत, डी रूस का सम्राट। 4 प्लेयर आंसर दे चुके हैं। समय अभी 13 सेकंड बच रहा है। चलिए, 5 के 5 आंसर दे दिए हैं। 1 का गलत जवाब आया, 4 का सही जवाब। देख रहे हैं दोस्तों, सही जवाब इसका है रूस का सम्राट। क्वेश्चन था, रूस में जार का अर्थ होता है, तो इसका सही जवाब है रूस का सम्राट को कहते हैं रूस में जार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देख रहे हैं स्कोरबोर्ड, सूरज सहानी अभी लगातार आगे चल रहे हैं पहला पोजीशन पर जी। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। पहला है ऑप्शन चीन, वियतनाम, लाओस। दूसरा नंबर ऑप्शन है हिंद,
चीन, वियतनाम, लाओस। सी है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। डी है कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। चारों का आंसर आ गया दोस्तों, एक अभी देना बाकी है। पांचों का पांचों आंसर आ गया। सही जवाब था, सही जवाब है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। क्वेश्चन था हिंद चीन, हिंद चीन में, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो कौन कौन देश आते हैं दोस्तों, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। देखा दोस्तों, चलते हैं स्कोर बोर्ड की ओर। सूरज सहानी 5463 पॉइंट से भी आगे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। देख रहे प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। ए ऑप्शन है बारडोली, बी अहमदाबाद, सी खेरा, डी है चंपारण। चारों प्लेयर का आंसर आ चुका है। चलिए समय अभी 10 सेकंड बच रहा है दोस्तों। देखिए पांचों का पांचों आंसर आ गया, सही जवाब था बारडोली। प्रश्न फिर से देखेंगे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो बारडोली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ए है ग्राम, बी है कस्बा, सी है नगर, डी है महानगर। तो दोस्तों देखिए तीन प्लेयर का आंसर आ चुका है, समय भी बच रहा है। देखिए पांचों दे दिए आंसर, बहुत तेज तरह लोग जुड़े हुए हैं, बहुत जल्द ही जवाब दे चुके हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों, महानगर में। देख रहे प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका सही जवाब है महानगर। चलिए स्कोर बोर्ड की ओर चलते हैं। सूरज सहानी अभी भी आगे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। ए है 1838, बी है 1958, सी है 1881, डी है 1911। सही जवाब, देखिए तीन प्लेयर आ गया, चार प्लेयर का आंसर आ चुका है। देखिए समय अभी बच रहा है दोस्तों, पांचों ने जवाब दिए हैं, सही जवाब दिए हैं 1881। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहले स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। सूरज सहानी 9469 पॉइंट अभी इनको आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौवा प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ए है पूर्वी क्षेत्र, बी है उत्तरी क्षेत्र, सी है दक्षिणी क्षेत्र, डी है पश्चिमी क्षेत्र। ए दोस्तों पूर्वी क्षेत्र, बी उत्तरी क्षेत्र, सी दक्षिणी क्षेत्र, डी पश्चिमी क्षेत्र। चार प्लेयर का आंसर आ चुका है। देखिए चार प्लेयर ने सही जवाब दिया, एक प्लेयर ने गलत जवाब दिया। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। स्कोर बोर्ड देखते हैं किनका कितना आया। केसर राज देख रहे हैं, केसर राज आगे चल चुके हैं पहला पोजीशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। प्रश्न है दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। देखिए तीन प्लेयर तुरंत आंसर दे रहे हैं, लगता है कि आंसर रट चुके हैं जी। चलिए सेकंड समय बच रहा है अभी, 17 सेकंड 16 सेकंड। आप लोग अपना लेवल को जांचिए कितना में आप हैं, क्योंकि इस बार सोशल साइंस के एग्जाम में आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, 40 में आप 40 लाएं, इसके लिए आपका स्पीड बनाना जरूरी है। देख चुके हैं पांचों के पांचों आंसर दे दिए हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी, तो इसका सही आंसर था अमृत बाजार पत्रिका। देखें हरिजन था ए में, बी में था भारत मित्र, सी में था अमृत बाजार पत्रिका और डी में था हिंदुस्तान रिव्यू। सही जवाब क्या था दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, उससे पहले स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। केशवराज अभी भी आगे हैं 11997 पॉइंट से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां नंबर, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। देखिए समय भी है, तीन प्लेयर ने जवाब दे दिया है,
देखते हैं दो प्लेयर का भी आना बाकी है, देखते हैं दोस्तों। ए में था लाहौर अधिवेशन, बी में था लखनऊ अधिवेशन, सी में गया अधिवेशन, डी है बम्बई अधिवेशन। पांचों का पांचों सही जवाब था दोस्तों, लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था दोस्तों। चलिए स्कोर बोर्ड देखते हैं, स्कोर बोर्ड में केशव राज आगे चल रहे हैं, बाकी अपना लेवल के अनुसार अपने क्रम में हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला ऊर्जा केंद्र, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ए है कल्पक्कम, बी है नरोड़ा, सी है राणा प्रताप सागर, डी है तारापुर। दोस्तों अपना लेवल को जांचिए और सही जवाब अपने कापी में या कुछ में लिख कर जांचिए कि कितना मेरा सही हो रहा है, क्योंकि स्पीड बनाना जरूरी है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? देखिए समय समाप्त हो चुका, पांच प्लेयर जवाब दिए, सही जवाब था तारापुर। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पहला है यूरेनियम, बी है पेट्रोलियम, सी है चूना पत्थर, डी है कोयला। ए है यूरेनियम, बी है पेट्रोलियम, सी है चूना पत्थर, डी है कोयला। प्रश्न आपके सामने है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? देख रहे दोस्तों तीन प्लेयर जवाब दिए, चलिए चार प्लेयर दे दिए, चलिए देखिए एक प्लेयर ने जवाब नहीं दिया, लगता है इनको नहीं आता है जी, छोड़ दिए इस प्रश्न को। चार प्लेयर सही जवाब दिए हैं, पेट्रोलियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसमें स्कोर बोर्ड देख लेते हैं, केशव आगे चल रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ए है कोयला, बी है विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी सौर ऊर्जा। देखे दोस्तों चार का सही जवाब आया है, एक का गलत जवाब है, सही जवाब है सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, क्योंकि कोयला विद्युत पेट्रोलियम को लगातार यूज सब करते आ रहे हैं, सौर ऊर्जा को अभी पारंपरिक स्रोत में नहीं माना जाता है, इसलिए गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। चलिए विकास कुमार देख रहे हैं दोस्तों, विकास कुमार आगे चल गए हैं पहला पोजीशन पर। जैसे जैसे क्वेश्चन जा रहा है, जैसे जैसे लेवल अप डाउन होते जा रहा है दोस्तों, देख रहे हैं, इसलिए आप भी अपना लेवल को जांचें, क्योंकि 2019 मैट्रिक एग्जाम में आपको 40 में 40 मार्क्स लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है मिथाइल आइसोसाइनाइड, डी है सल्फर डाइऑक्साइड। दो प्लेयर का जवाब आ गया दोस्तों, देखना बाकी, अभी समय बच रहा है, अभी समय बच रहा है दोस्तों, तीन प्लेयर आ गया। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो देखिए सही जवाब पांचों को पांचों प्लेयर दे दिए हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए स्कोर बोर्ड देखते हैं, विकास कुमार आगे चल रहे हैं पहला पोजीशन पर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, फालता विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फालता विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए है बिहार, बी है पश्चिम बंगाल, सी है केरल, डी है उड़ीसा। प्रश्न आपके सामने दोस्तों, फालता विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फालता विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए है बिहार, बी है पश्चिम बंगाल, सी है केरल, डी है उड़ीसा। देखें दोस्तों अपना लेवल जांचें, दो का आंसर आ चुका है, तीन प्लेयर चार प्लेयर देखिए, चले चार प्लेयर का सही जवाब था पश्चिम बंगाल। फालता विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट चलते हैं, विकास कुमार देखिए सबसे पहला जवाब दिए थे विकास कुमार, इसलिए इनके आगे देखिए ये साइन लग चुका है, विकास कुमार सबसे पहला जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ए है राजगीर, बी है बोधगया, सी है बिहार शरीफ, डी है पटना।
देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आते देर ना, आंसर देते देर ना, इसलिए लेवल आप भी बढ़ाएं, लेवल को ऊपर करें, क्योंकि 40 में 40 लाना है। 10 सेकंड बच रहे हैं दोस्तों, चलिए सभी के सही जवाब दिए, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में ही है जी, संजय गांधी जैविक उद्यान, इसलिए संजय गांधी जैविक उद्यान कृष्णनगर में स्थित है, पटना में। स्कोर बोर्ड देखते हैं, देखिए सबसे पहला जवाब अमन दिए थे, बाकी अपना लेवल इनका नंबर कम है, इसलिए अभी नीचे पोजीशन में चल चुके हैं। इस क्वेश्चन का सबसे पहला जवाब दिए थे अमन, इसलिए देख रहे हैं दोस्तों इनके आगे ये साइन लगा हुआ है, इसलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंदार हिल किस जिला में स्थित है, 18वां नंबर प्रश्न है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है, ए है मुंगेर, बी है भागलपुर, सी है बांका, डी है बक्सर। मंदार हिल किस जिला में स्थित है, चलिए तीन प्लेयर का आंसर आ गया है, देखते हैं दोस्तों। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आगे भी इस तरह से वीडियो बना सकें। चलिए देखते हैं मंदार हिल किस जिला में स्थित है, तो बांका, चार प्लेयर का सही जवाब था, बांका सही होगा। विकास कुमार आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 19वां नंबर प्रश्न को आ गया है। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैश्वर विधि का विकास किसने किया था, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैश्वर विधि का विकास किसने किया था, ए है गुटेनबर्ग, बी है लेहमान, सी है गीगर, डी है रिटर। दो प्लेयर ने आंसर दे चुके हैं, तीन प्लेयर दे दिए हैं, देखते हैं, इंतजार करते हैं, समय अभी तो बच रहा है दोस्तों। चलिए पांचों दे दिए हैं, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैश्वर विधि का विकास किसने किया था, तो लेहमान ने किया था, इसका सही जवाब था बी। चलिए स्कोर बोर्ड में विकास कुमार ही आगे चल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन इनका रहा, ऐसे ही मेहनत करें और इस बार मैट्रिक एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था, ए है मध्य युग में, बी है प्राचीन युग में, सी है वर्तमान युग में, डी है आधुनिक युग में। दो प्लेयर का आंसर आ चुका है, देखते हैं दोस्तों कितना लोग का सही होता है। चार प्लेयर का आंसर आ चुका है, चलिए चार प्लेयर सही जवाब दिए थे, मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था दोस्तों। चलिए देखिए, 20 में 19 प्रश्न देकर गो जो जोड़ चुके हैं अपना नाम, गो बता रहे हैं इसमें, 20 में 19 प्रश्न दिए थे केशव राज, 20 में 20 हैं और 20 में 19 हैं विकास कुमार, इनको ज़्यादा पॉइंट मिला है इसलिए 20 में 19 लाए हैं और इनको फर्स्ट पोजीशन पर दर्जा दिया गया है।